आज हम बात करेंगे कि विच प्रोटीन इज गुड, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होता है बच्चों का या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका, ट्रेनर्स का नहीं कह सकता, ट्रेनर्स की अपनी अपनी नॉलेज है। मेरे भाई जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कौन सा प्रोटीन अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या आप बता सकते हैं। सो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फिटनेस टॉक, और आज हम बात करेंगे कौन सा प्रोटीन अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन से कंटेंट्स देखने चाहिए, कौन सी चीज़ें वैल्यू चेक करनी चाहिए जिससे आपको बेस्ट प्रोटीन मिल पाए और आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी कह के थक गए यार, आत्मनिर्भर बनो। सो इसमें भी ट्राई करो। जोक्स अपार्ट, तो आज बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन इंटेक या कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। सी, मैं एक बेसिक आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 16 में, जिनके बारे में जानता हूँ नाम नहीं पता, 16 कंपनीज हैं जो हैवी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसमें से टॉप फाइव में से फ्रंटेरा, ग्लैम्बिया, मिल्क स्पेशलिटीज, एग्रोबोर और एक मेरे को नाम याद नहीं, बट जो ऑन यूज़ करती है वो ग्लैम्बिया यूज़ करती है। सो आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सा वे सुपर क्वालिटी है कौन सा नहीं, बिकॉज इन सबसे कंपनीज से रॉ लेके सप्लीमेंट कंपनीज अपने अकॉर्डिंग उसे असेंबल करती हैं। आपने देखा होगा हर प्रोटीन के डब्बे या जो आप कंटेनर लेते हैं उसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं, अलग अलग वो उसमें फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग उसमें क्रिएटिन का इंटेक, क्रिएटिन की क्वांटिटी होती है, ग्लूटामाइन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं कहूँगा तो काफ़ी डेप्थ में हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप प्रोटीन लेने जाते हो तो अगर आपको नॉलेज है तो नो डाउट आपको कोई सप्लीमेंट शॉप वाला नहीं काट सकता, ठीक है, पहली बात। बट अगर आप सप्लीमेंट शॉप में जाते हैं, अगर यही कहते हो कि भैया आप अपने हिसाब से दे दो, तो उसकी नज़र में आपके सर पे चमकता है उसे तंदूरी चिकन और 50-60% का मार्जिन, जो कि हर प्रोटीन डब्बे पे होता है, जो कि क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता। मेरे बहुत से ट्रस्ट वर्दी है जिनके बारे में जानता हूँ और मैं उनसे ही लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले जब भी आपकी सप्लीमेंट शॉप में जाते हैं तो पहली बात तो किसी भी कंपनियां, बहुत रेयर कंपनीज होंगी जो ये उसमें मेंशन करेंगी उन्होंने कौन सी फार्मास्यूटिकल से या कौन सी डेयरी फार्म से ये रॉ वे लिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमें रॉ वे प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहली बात, सबसे पहले आप उसमें चेक करिए कि पर स्कूप आपको कितना परसेंट प्रोटीन मिल रहा है। एज एन एग्जाम्पल, अगर उसका 50 ग्राम का स्कूप है और 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिला, इट्स अ एग्जांपल, ऐसा है नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर 50% स्कूप का है 50 ग्राम और आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, विच इज़ गुड, बट यू हैव टू सी के वो प्रोटीन का जो ब्लेंड है, जो प्रोटीन का सोर्स है, आपको कहाँ से मिल रहा है, उसमें ब्लेंड किन किन चीज़ का है, कहीं उसमें प्लांट प्रोटीन तो नहीं है, सोया प्रोटीन तो यूज़ नहीं करा, पी प्रोटीन तो यूज़ नहीं करा, राइस प्रोटीन तो यूज़ नहीं करा, और उसमें वे कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट, इनका ब्लेंड कितना कितना परसेंट है। एक चीज़ तो ये हो गया, आपको ये चेक करना है। कोशिश ये करिए कि ब्लेंड आपको सिर्फ प्रोटीन्स का ही मिले, और जो ये प्लांट प्रोटीन इसमें डालते हैं या उसको यूज़ करते हैं प्रोटीन इनटेक या प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आप उससे दूर रहें। बहुत सी कंपनीज हैं जो यूज़ नहीं करती हैं और वो महंगी आती हैं, ठीक है। दूसरा, हमेशा उसमें चेक करें कि शुगर क्वांटिटी कितनी है पर स्कूप। यू हैव टू चेक कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा यूज हुआ है, और अगर यूज हुआ है तो कितना यूज हुआ है, बिकॉज आर्टिफिशियल स्वीटनर एक हद तक अच्छा भी है तो एक हद तक बुरा भी है। 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर सकते हो इन अ डे, एक बार में नहीं, इन अ डे। सो अगर आप ले रहे हो तो ये भी चेक करो कि इसमें कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर के बहुत साइड इफेक्ट है जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसमें सुक्रालोस और एक और है, सैचेरिन करके है, ये दोनों काफी हार्मफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। द थर्ड वन इज कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी कितनी है। इफ़ यू अगर आप गेन कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट चलता है, और अगर आप लूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी आपको देखनी चाहिए। द
द फोर्थ वन इज कैलरीज, कि आपको पर स्कूप कितनी कैलरीज मिल रही हैं, ये चेक करना जरूरी है। तो मैंने आपको इतने पॉइंट्स बता दिए। फर्स्ट यू हैव टू चेक द प्रोटीन क्वांटिटी पर स्कूप, सेकेंड वन इज प्रोटीन ब्लेंड, थर्ड वन इज शुगर, द फोर्थ वन इज कार्ब। ठीक है, क्योंकि बहुत से वे ऐसे भी आते हैं जिनमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम होती है, तो आपको आइसोलेट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आइसोलेट उसकी थोड़ी प्योर फॉर्म होती है और डाइजेस्टिबिलिटी टाइम उसका कम होता है, सॉरी, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको चेक करना चाहिए। और हाँ, जो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बना रखा है कि जितना महंगा प्रोटीन होगा उतना अच्छा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड वैल्यू का फर्क पड़ता है। आज अगर मैं किसी अंडरवेयर पे जॉकी और सेम अंडरवेयर पे रूपा लिख दूंगा ना, तो प्राइस डिफरेंस हो जाएगा, भले दोनों का कपड़ा सेम हो। समझ में आ रही है? ब्रांड वैल्यू का मैटर करता है। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आप जा रहे हैं प्रोटीन लेने, आपको देखना है, तो ट्राई करिए कि पर स्कूप प्रोटीन क्वांटिटी का जो परसेंटेज है वो 70-80 के बीच रहे, जितने ग्राम का स्कूप है उसके हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर लेना। सेकेंड वन, ब्लेंड किस किस का है, प्लांट प्रोटीन का ब्लेंड कम हो और मोस्ट प्रोबेबली जो है फोर टाइप्स के प्रोटीन इनका ब्लेंड ज़्यादा हो। द थर्ड वन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, चेक कर लें कि कितना आपको पर स्कूप मिल रहा है, कितना उसमें है। एंड द फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी, कितनी आपको मिल रही है। एंड द फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज अ कैलरी, चेक द कैलरी, क्योंकि कैलरी डेफिशिएट में बहुत से होते हैं जो मसल गेन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, जो मसल फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए कैलरी बहुत मैटर करती है, ये चेक कर लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसे आगे से आगे देखेंगे, ट्राई करेंगे, और मैं नए से नए कंटेंट लाने का ट्राई करूंगा। पॉसिबल होगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल का, आपके वेट लॉस का रीज़न क्या हो सकता है। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय।